की शुरुआत हो चुकी है और इस हफ्ते हम आपको महाराजा रंजीत सिंह का किरदार निभाने वाले दमनप्रीत के घर ले चलेंगे। दमनप्रीत जो हैं ये आम गांव में रहते हैं और यहीं पे इनके सेट की शूटिंग होती है। इससे पहले कि हम कुछ और ज्यादा बातें करें, चलिए उनसे ही डायरेक्टली मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दमनप्रीत। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून हो गया? हाँ गुड आफ्टरनून हो गया। नहीं देखो, छुट्टी के दिन अगर पूछा जाए दमनप्रीत क्या करते हैं? दमनप्रीत बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं और उसके साथ जो गुलाब सिंह उनका कैरेक्टर कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा उनके रूम में चले जाते हैं और उनके साथ इंजॉय करते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, उनके पास आप हमें ले चलेंगे ना? आपने हमें प्रॉमिस किया था। जी बिल्कुल। चलिए फिलहाल आप अपना घर दिखाइए जहाँ पे आप रहते हैं, क्योंकि आपके फैंस देखना चाहते हैं कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या होता है इस घर में। ये मेरा घर है, हम यहाँ पर कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं और बड़ा अच्छा है। इसके आसपास का माहौल बड़ा अच्छा है, मार्केट्स वगैरह मतलब थोड़ा मुश्किल नहीं लगता, हर कुछ मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या कुछ भी। और ये मेरा लिविंग हॉल है और मैं सबसे ज़्यादा यहीं पर रहता हूँ क्योंकि इसके आपके बिल्कुल पीछे टीवी है। यहाँ पर टीवी देखता हूँ जब भी मेरा फ्री हूँ, जब मैं अपने एपिसोड्स देखता हूँ अपने शो के। और ये रहा टीवी। चलो अब मैं आपको अपनी मम्मा से मिलाता हूँ जो खाना बनाने में बिजी हैं वो रहे, और अब मैं उनकी थोड़ी हेल्प भी करूँगा खाना बनाने में। कभी कभी करता है, हेल्प करता हूँ मैं। बहुत गुड बॉय हूँ। तो अब मैं दिखाता हूँ। वैसे तो बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी बच्चा है, जो काम करती हूँ मान लेता है, ऐसा नहीं है कुछ करवा दो। छोटा था तो हथौड़ी है ना, एक कार्टून आते थे तो निजा थाड़ी, तो बन के कि दमन ये चीज़ मिलेगी आप हथौड़ी बन जाओ, मम्मा हथौड़ी बन गया अब मैं पूरा काम कर दूंगा। तो ये है घी जिसके बिना पंजाबी रह नहीं सकते और हमें इसकी लत है। सीक्रेट बात है कि ये खाना खुद नहीं खाता, इसको खाना मैं खिलाती हूँ। तो कार्टून लगा के दे देती थी है ना, फिर तीन चार रोटी खिला दो जितनी भी है। तो अगर नहीं चला टीवी तो दमन ये खा लो, ये मेरी सब्जी पसंद नहीं है, ये मुझे अच्छी नहीं लगी तो नहीं खाऊंगा, तो खाता नहीं था। कार्टून लगा के इसने जितनी मर्जी खिला दो, इसको पता ही नहीं चलता कि मैं खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ। फ्लेवर बन जाता है ना, टेस्ट लगती है, खाकर देखना कभी, बहुत टेस्ट लगती है। ये ऑरेंज वाली तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी सॉल्टी के साथ कुछ मीठा हो जाता है ना, टेस्ट लगता है। तो अभी मैं 9th क्लास में हूँ और जब भी मुझे घर पे मैं फ्री होता हूँ या फिर मुझे टाइम मिलता है जो, और जब मुझे मम्मा बोलते हैं कि पढ़ पढ़ पढ़, तो मैं यहाँ पर आकर पढ़ता हूँ। ओके, तो ये मेरे पढ़ने की जगह है, ये मेरी बुक्स। तो मैं अब आपको मिलाऊंगा स्पर्श से, यानी कि गुलाब सिंह से, जो मेरे दोस्त बने हैं मेरे शो में, महाराजा रंजीत सिंह के शो में। तो मैं अगले 3 सेकंड में उसकी बेल मारूंगा, 1, 2 एंड 3। तो मेरा ये रोज़ का काम है, मतलब मैं दिन में 2-3 बार तो ऐसे कर ही देता हूँ। अबे तमन। तो हम क्या करते हैं, हमारा ना एक दिन दोनों का ऑफ था तो हमें समझ नहीं आया क्या करे क्या करे क्या करे। तो फिर इसका प्लान था, चलना हम एक वीडियो शूट करते हैं,
ऐसे विला पर इसको यहाँ से वहाँ कुदवाया, यहाँ से इधर किया, तो बड़ा एंजॉय करते हैं हम। तू मेरे वल तकदी रवे ना, मेरी तेरे तो नजर हटदी, मैं तेरा या ब्लड गोरिए, तू बैक बोन जट दी। बहुत हो गया, चल सेट पे चलते, शूट नहीं करना तेरे को। तो मैं हमेशा शूट पे जाने से पहले एक बार भगवान जी को मत्था टेक कर जाता हूँ। वैसे तो ये मतलब जिम वगैरह ज्वाइन करने का टाइम नहीं मिलता, और अभी करना भी नहीं चाहिए। और तो फिटनेस के हिसाब से मैं, अगर फिटनेस के मामले में देखा जाए तो मैं साइकिल चलाता हूँ। मैंने थोड़ी थोड़ी बाइक चलानी भी सीखी है, और मुझे चलानी इसने सिखाई, इसने। तो अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चलाकर दिखाऊंगा, और मैं सेट पे इसी बाइक से जाऊंगा। फाइनली अब मैं अपने सेट पे आ गया हूँ, तो मैं दमन सिंह से महाराजा रणजीत सिंह के लिबास में आऊँगा। रणजीत सिंह जी की ज्वेलरी है, इन सबको हैंडल करना, इसको इन सबको कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो कॉस्ट्यूम ही काफ़ी हैवी होती है, क्योंकि सिर्फ नीचे मैं अंगरखा पहनता हूँ, उसके ऊपर ओवरकोट पहनता हूँ, फिर उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें पहनता हूँ, ऊपर से ज्वेलरी, तो मतलब काफ़ी हैवी हो जाता है। ऊपर से जब गर्मी होती है, सीन पसीना यहाँ से टपक रहा होता है, डायलॉग बोल रहे हैं, मतलब उसमें काफ़ी मतलब उसे करना पड़ता है। बहुत ही जो ऊपर ये बांध रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे ड्रेस दादा हैं, जो रोज़ मुझे रेडी करते हैं। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत कुछ किया, पूरा आपने मुझे दिखाया, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया आप सबने कि कैसे कैसे था, मेरी पूरी लाइफ आपने दिखा दी, सब लोगों को मेरी पूरी रूटीन दिखा दी, और ये भी दिखा दिया कि मैं मम्मी के हाथ से खाना खाता हूँ, सीक्रेट खोल दिया आपने मेरे। चलो पर फाइनली बहुत मज़ा आया, हम पूरा घर से लेकर सेट पे आए आपके साथ, बहुत इन्जॉय किया, आपने भी किया,
और लोग जो देखेंगे वो भी बहुत करेंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।